में एक नाम आता है श्रीवास नाम कहते ना, जो नारद जी का बता रहे, जब उन्होंने जन्म हुए हर पिता माता चाहता है मेरा बेटा का भविष्य क्या है, हर पिता माता चाहते हैं ना हमारे बेटा का क्या भविष्य, हर पिता माता चाहते हैं। अभी उन्होंने ज्योतिष को बोले हमारे बच्चा का जन्म पत्र देखो, इसका जीवन में क्या अच्छा बुरा देखो। ज्योतिष ने कहा तुम्हारे बेटा 15 साल में मरने वाले। कितना साल में? 15 साल। 15 साल में। अभी अगर कोई माँ सुन ले मेरा बेटा 15 साल में मृत्यु, फिर उन्हें दूसरे ज्योतिष को दिखाया। हाँ देखा सर, ठीक ठाक देखा नहीं, और दूसरे ज्योतिष भी यही बात बताया तुम्हारे बेटा तो 15 साल में मरने वाले। अभी तो उसकी मैया बड़ी चिंता में पड़ी, अभी क्या करेगी। अभी जब धीरे धीरे बड़े हो गया, अभी उसको खुद पता चला, ज्योतिष ने बताया मैं 15 साल में मरने वाला हूँ। तो इतने में उन्होंने सारे शास्त्र को ढूंढा, अगर कोई मरने वाला है क्या, बचने का कोई उपाय क्या है कि नहीं। तो उन्होंने सारे शास्त्र को ढूंढा, ढूंढते ढूंढते उन्हें जो बृहद नारदीय जो पुराण है, तो उन्होंने वो ग्रंथ को जो बड़ा वो ग्रंथ में लिखा हुआ, हरेर नाम इव केवलम कलो नास्तेव गतिरन्यथा। मतलब है कलयुग में भगवान के नाम के सिवाय कोई गति नहीं, कोई गति नहीं, कोई गति नहीं। फिर कौन सा नाम, उसको नीचे लिखा हुआ था, ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, जोर से बोलो हरे हरे, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। जब उसने ये इसको देखा, बोले ये तो शास्त्र में बताया कलयुग में भगवान का नाम से ही जीव का परम कल्याण होने वाले, मंगल होने वाले भगवान का नाम से, हाँ, और किसी को द्वारा कल्याण होने वाले नहीं। अरे ये प्रभु का नाम लेने से क्या होगा, जीव भव सागर से पार हो जाएगा। वो इतने खुश हो गया ना, अभी तो उठते बैठते सोते दिन रात हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। अभी दिन रात भगवान की नाम को ही जपना शुरू कर दिया। जब जपना उसको ज्योतिष ने बताया था, देखो बेटा इसी दिन तुम मरने वाले हो, वो डेट भी बता दिया था। उसने सवेरे सवेरे नहा धोकर ठाकुर के सामने बैठ गए, बस ये जो माला लेकर की, ये माला में ठाकुर का नाम जप करना शुरू कर दिया। जब करते 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 जब उसका मरने का समय आया ना, उसने बेहोश हो गया। जब बेहोश हो गया, इतने हठात देखा किसी ने आकर के बड़े जोर से गाले में बड़े जोर से तमचा मारे, थप्पड़ मारे। जब थप्पड़ मारे इतने में तो उठ जग गया, जगकर देखा कोई है नहीं, है देखा कोई नहीं, उसको समझ में नहीं आया क्या हो गया। लेकिन उसको जो मरने वाला था वो मरा नहीं। लेकिन जब श्री चैतन्य महाप्रभु जब प्रकट हुए, हैं जब प्रकट हुए चैतन्य महाप्रभु, इतने में महाप्रभु एक दिन भगवान की खटिया के ऊपर बैठ गए, और जितने महाप्रभु का भक्त लोग थे ना, महाप्रभु एक एक भक्त को बुला बुला करके उनका जीवन चरित्र सुना रहे थे। एक भक्त को बुलाए, बोले बेटा तू आ इधर, बोले तेरे को याद है उस समय मुसलमान पीरियड था, मुसलमान लोग राजू तो कर रहे थे हम भारत के ऊपर में। आपको पता होगा मुसलमान अगर कोई अच्छी लड़की देख लेना जोर जबरदस्ती उसको अपना उसको बलात्कार कर लेते थे, नहीं तो अपना पत्नी बना देते थे। इसलिए इतने में हठात किया हुआ रात में मुसलमान आक्रमण कर दिया हिंदुओं को घर के ऊपर में, आक्रमण कर दिया। तो इसने देखा मेरे पत्नी है, मेरे बच्चे है, अभी क्या होगा। उसने घर छोड़ करके भागे घर से, है किसी तरह से मेरे पत्नी बहू बेटियों की इज्जत बच जाए। अभी रात एकदम घनाघोर रात है, बीच रात है, उसने आ गया गंगा के पास में, गंगा नदी। अभी गंगा नदी को पार कैसे करने, तो मुसलमान आ जाएंगे। अभी ठाकुर को पुकारे, ठाकुर जी मेरे बहू बेटियों की इज्जत तुम बचाओ ठाकुर जी, और तो कोई बचाने वाले कौन बचा सकता है। इतने में ठाकुर जी नाव लेकर के आ गए, भगवान स्वयं कृष्ण नाव लेकर के आ गए। बोले क्या बात इतना रात में, बोले आप मेरे ऊपर कृपा करो, किसी तरह से गंगा नदी हमें पार करा दो, नहीं तो मुसलमान हमारी इज्जत ले जाएंगे। इतने में उनको नाव में बैठा है और उनको पार करा दिया, गंगा पार करा दिया। तब वो भक्तों को उन्होंने बुलाए, बुला करके बोले तेरी याद है जो मुसलमान तुमको जब आक्रमण किया, इस समय तू अपना बहू बेटी को लेकर घर से निकल गया, और तू सोच रहे था मैं अंधकार रात में गंगा कौन पार कराएगा। तेरे को याद है एक व्यक्ति नाव लेकर गया था। बोले हाँ। बोले जानते हो कौन आया था। बोले कौन। बोले मैं आया था।
ठाकुर जी कह रहे मैं ही आया था, तुमने जो हृदय से मेरे को पुकारा, मैं स्वयं गोलोक वृंदावन से कृष्ण स्वयं आकर के तेरे को मैंने नदी पार करा दिया। और हरिदास ठाकुर जी थे हैं, वो मुसलमान थे, वो भजन करते थे, दिन में 3-3 लाख हरिनाम करते थे। अभी मुसलमान बिगड़ गए, बोलते तू मुसलमान होकर के हिंदुओं का ये हरे कृष्ण नाम क्यों लेता हो, तो ले तो अपना कलमा उच्चारण कर। तो उन्होंने बोले भैया भगवान का अलग अलग नाम है, लेकिन ठाकुर तो एक ही है ना, ठाकुर थोड़ी कोई अलग है, ठाकुर तो एक ही है ना, है कोई इसको अल्लाह कहते, कोई गॉड कहते, कोई भगवान कहते, ठाकुर थोड़ी अलग, कोई तो अलग है ही नहीं, हमने तो अलग अलग कर लिया, लेकिन थोड़ी कोई अलग है, मेरे को अच्छा लगता है हरे कृष्ण नाम। बोले खबरदार तू ये हिंदुओं का वाणी उच्चारण नहीं कर सकते हो, नहीं तो तेरे को मार डालेंगे। बोले भले ही मेरे शरीर को बोटी बोटी कर काट क्यों नहीं डाले, लेकिन मैं भगवान का नाम नहीं छोड़ सकता हूँ। उसको 22 बाजार में मुसलमान राजा ने आदेश दिया, ऐसे सबको सामने उसको पिटाई करो, दुनिया देखे जो मुसलमान होकर के हिंदू ठाकुर का नाम लेते उसका क्या दुर्गति होता है। 5-6 सिपाही कोड़े लेकर के ऐसे मार रहे थे उसको, इतने में वो जोर जितने जोर से मार रहे थे ना, उतना जोर से हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, उतना जोर जोर से ठाकुर का वो नाम ले रहा था है। इतने में ठाकुर जी गोलोक वृंदावन से ठाकुर जी आ गए आ करके कैसे आए, खाली हाथ नहीं, सुदर्शन चक्र लेकर के, बोले ये दुष्टों को मैं मार डालूंगा, क्योंकि भगवान कहते जता देवेशु जता वेदेशु जत गोसु विद्वस सदा आसु विनिशति, जब ये पृथ्वी के ऊपर अत्याचार हो, स्त्रियों को ऊपर में, गैया को ऊपर में और संतों को ऊपर में कोई अत्याचार होता है, ठाकुर जी कहते मैं कभी देख नहीं सकता। इसलिए कृष्ण गीता में कहते ना, परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय समभामी युगे युगे, मैं स्वयं युग युग में अवतीर्ण होता हूँ भक्तों को रक्षा करने के लिए। ठाकुर जी सुदर्शन चक्र लेकर के आगे सबको मैं मार डालूंगा, लेकिन उसी समय कहते ना संत हृदय नवनीत समाना है, संतों का हृदय तो बड़े कोमल होता है, लेकिन वो ठाकुर जी से प्रार्थना कर रहे, बोले ठाकुर जी ये मूर्ख आदमी कुछ जानता नहीं, इसे मुसलमान लोग अब इनके अपराधों का मत लिया करो, माफ कर दो। अभी भगवान तो चक्र लेकर के आ गए, वो स्वयं भक्त ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं इनके पाप को है, इनका अपराध को मत लिया करो। फिर ठाकुर जी क्या करेंगे, ठाकुर जी खुद उसको हरिदास ठाकुर को ऐसे पकड़ लिया, आलिंगन कर लिया। जब आलिंगन करते ना, जितने सब पिटाई हुआ ना ठाकुर को ऊपर सब पिटाई ठाकुर जी ले लिए हैं, सारे पिटाई। तब महाप्रभु हरिदास ठाकुर को बुला रहे, हरिदास जिस समय मुसलमान तुमको मार रहे थे, मारने के लिए कोशिश कर रहे थे, तो मेरे को पुकारा ना, बोले हाँ, उसी समय सुदर्शन चक्र लेकर मारने के लिए आए थे, लेकिन तू उनका कल्याण सोच रहा था, इसलिए मैंने तेरे को मैंने पकड़ लिया। देख अभी भी पीठी को ऊपर में सब दाग है, मेरे पीठ में सब देख सब दाग पड़ा हुआ है। हरिदास ठाकुर तो रोने लग गए है, बोले ठाकुर जी आप कितने दयालु, आप ठाकुर कितने कृपालु हैं। इतने में श्रीवास पंडित का नंबर आया, बोले श्रीवास तेरे को याद है ज्योतिष ने बताया था 15 साल में मरोगे, बोले हाँ। बोले तुमने शास्त्र ढूंढते ढूंढते भगवान का नाम निकला, बोले हाँ। बोले तुम भगवान का मेरे नाम ले रहा था, कितना हरि से बड़ा हरि का नाम है, तुम मेरे नाम जप कर रहा था, और जिस दिन मरने वाला था ना तुमको लेने के लिए, कौन काल आए थे लेने के लिए, जमदूत आए थे, लेकिन चूंकि तू मेरे नाम का आश्रय किया हुआ था, इसलिए तेरे को पता है, तेरे किसी ने थप्पड़ मारा तू बेहोश हो गया था, बोले हाँ मैं तो बेहोश हो गया था। बोले किसी ने थप्पड़ मारा, बोले कौन मारे, बोले मैंने मारा, क्योंकि तुमको तुम मेरे नाम की आश्रय लिया हुआ था, है हरी से बड़ा हरी का नाम है, चूंकि तुम मेरे नाम आश्रय लिया हुआ था, इसलिए मैंने क्या किया, जम को मार कर काल को वहां से भगा दिया और तेरे को बचा दिया। वो तो रोने लग गए, ठाकुर के चरण में लोट पोट खाने लग गए। इसका मतलब है जब हम ठाकुर जी का नाम लेते हैं ना, भगवान का नाम में इतने शक्ति है, कहते जितने तुम्हारी पूर्व जन्म का पाप है, जो भोग कर रहे हो, जो भोगने वाले हैं, जो अंदर में बीज रूप में हो, पाप पाप बीज कोट जितने पाप है, ठाकुर जी का नाम लेने से सब पाप नष्ट हो जाता है, सारे तुम्हारी पाप तुम्हारी नष्ट हो जाता है। इसलिए हम सवेरे अजामिल की कथा सुन रहे हैं, उसने अपना बेटे को बुलाया, भगवान को नहीं बुलाया था, किसको बुलाया था, बेटे को, अपना बेटे को। मरते समय कायमान बक्के से पाप करते हैं, तीन जमदूत आए, लेकिन उसको बेटे को खेलते हुए दूर में देखा, जोर से बोला, बोले बेटा नारायण,
नाहरायणाचार्य कर, वैकुंठ से चार भगवान के भक्त आ गए। ये दोनों में घमासान लड़ाई हुई, जब दूतों को विष्णु दूतों ने मार मार कर भगा दिया वहां से। बोले कैसे इसको ले जाए, वैष्णव है भगवान का नाम लिया है। बोले भगवान का नाम कब बोला? वो तो अपने बेटे को बुलाया था। किसको बुलाया था? बेटे को। अपने बेटे को बुलाया था है? भगवान कब बुलाए? लेकिन बोले बेटे का जो नाम किसका नाम था? नारायण। नारायण नाम किसका है? भगवान का। भगवान का है। उसने भगवान का नाम, नाम तो ठाकुर जी का है ना, ठाकुर का नाम उसको दी गई, लेकिन नाम किसकी है? ठाकुर जी के नाम है। इसलिए भगवान का नाम, अगर किसी तरह से भगवान का अगर नाम ले लिया, बोले जब उसने बेटा का नाम नारायण रख लिया था, सब पाप से मुक्ति हो गया था। लेकिन जब बेटे को बारंबार बेटा नारायण तो कहाँ है, बेटा नारायण पानी ले आ, बेटा नारायण गोद, नारायण तू कहाँ हो, जैसे माता हर बात बात बुलाते ना, ऐसे जो उसने जो बुलाया था, हम जो माला करते हैं ना उसको दिन भर जैसे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम जोर बोला बोला हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हैं। जो बारंबार हम बुलाते हैं क्या हो जाता है, ये माला जप करना हो जाता है। और जो अंतिम समय में ठाकुर का नाम लिया है ना, कहते कहते जो अंतिम जब जो मति सो गति, अंतिम समय में जैसे सोचते सोचते शरीर छोड़ोगे तुमको वैसे गति वैसे ही मिलेगा है, तुम्हारा जैसे मति वैसे गति होगा। इसलिए कृष्ण क्या कहते हैं, बोले जब जब बापी शरण भाव त्यजत अंत कलेवरम तम तम एव कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। कहते हैं अर्जुन तुम जैसे सोच सोच करके जैसे शरीर छोड़ोगे ना तुम गति वैसे मिलेगा, तो गति वैसे मिलेगा। इसलिए तो अंतिम समय में भगवान का नाम कैसे आएगा, कोई कोई कहते ना अरे मरते समय एक बार राम बोल देंगे कृष्ण बोल देंगे हो ही जाएगा। इसलिए अभी से सब माला जप करने की क्या जरूरत, फिर तो अभी से क्यों प्रभु का नाम जप करे, जब मरने का समय आएगा तो माला जप कर लेंगे। लेकिन इसलिए के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं, बोले जनमा जनमा मोनी जाता ना कराए, जनमा जनमा मोनी जाता ना कराए, अंतरामा कही अब तनाए, अंतरामा कही अब तनाए, जनमा जनमा मोनी जाता ना कराए, स्वामी जी कहते हैं, कहते जन्म जन्म मुनि जतन कराई, मुनि लोग जन्म जन्मांतर तक जतन करने पर भी अंत राम कहीं आवत नाही, अंतिम समय में राम का नाम नहीं आता है। बोले क्यों नहीं आता है, बोले अंदर में रील में जो भरा हुआ वही तो निकलेगा ना, रील में तुम जो भरे होगे तो वही तो निकलेगा ना, रील में तो जिंदगी भर कचड़े में भर दिया, दुनियादारी बात करते करते हाँ दुनियादारी घर गृहस्थी बेटा बेटी नाती पोती में तो जिंदगी भर लगाया, भगवान का तो नाम लिया ही नहीं जिंदगी में। अब तो बोलोगे अंतिम समय में राम का नाम कैसे आएगा, अब देखना जब अंतिम समय कोई मरता है ना चारों तरफ लोग घिरे हुए रहते हैं, हैं अंतिम समय बूढ़ा बूढ़ी क्या बोलते हैं, बेटी को देख लेना बेटा का काम नहीं धंधा चल रहा है, वो बेटी को घर में साल साल में कुछ कपड़ा लेता भेजते रहना, यही यही बात बोलेगा, क्यों जिंदगी में कचड़ा भरा ना, जिंदगी में जो भरा तो ही आएगा ना, भरा तो जिंदगी भर उल्टा पुलटा चीज, भगवान की भजन तो किया ही नहीं तुमने, तो अंतिम समय में जो भरेगा तो वही निकलेगा तुम्हारी, और निकलेगा क्या। आज सवेर बता रहे थे हमारे को एक माता जी थी, वो हॉस्पिटल में भर्ती हुई थी मरने वाली थी, तब हमारे बड़े गुरु जी को उन्होंने बुला करके ले गए, बोले गुरु जी थोड़ा आ जा तो माता जी को कृपा कर लो, हम बोलते थे राम राम कृष्ण कृष्ण, बोलो बोलती नहीं सारा दुनिया के अगड़ों बगड़ों दिन भर भगभ करती रहती है, हैं वो बेटे को देखते ना वो बेटी को देखते ना वो जमीन वहां पर सारे, हम बोलते थे राम राम कृष्ण कृष्ण, बोलो बोलती नहीं, बाबा थोड़ी आशीर्वाद कर दो। गुरु जी गए, बोले माता जी थोड़ा राम राम बोल दो, कृष्ण 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 बोल दो, बोले बाबा इतना मेरे से बोला नहीं जाता, देखो बाबा इतना मेरे से बोला नहीं जाता, 12 अक्षर बोल दिया, लेकिन राम 2 अक्षर नहीं, राम कृष्ण 2 राधे नहीं बोल पाई है, क्यों जिंदगी भर जो अंदर में भरा तो ही निकलेगा ना
इतने में उसका जो पोते थे ना, बड़ा चतुर थे, बोले दादी से किसी तरह से प्रभु का नाम निकालना, ये बोलती नहीं। बोले दादी तो क्या नहीं बोल सकती हो, और वो सोच रहे थे वो इतना तो बोलेगा राम राम राधे राधे नहीं बोल सकता, वो कहती है जो तुम बुलवाना चाहते ना मैं वही नहीं बोल सकता। भगवान का जो नाम है ना, इसलिए कहते हैं इसका एक अर्थ हो गया, मुनि लोग जन्म जन्मांतर जतन करने पर भी नाम ठाकुर का नाम नहीं आता। देखो उसका दूसरा अर्थ समझो अच्छे तरह से, देखो गोस्वामी जी कैसे अच्छी बात बताए, बोले जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जब मुनि लोग जन्म जन्मांतर तक जतन करते हैं कराई, तब फिर क्या बोल अंत राम कही। अगर जिंदगी भर जो प्रैक्टिस करोगे ना, अंतिम समय तो वही आएगा ना, पर अंतिम समय में क्या होगा, जो प्रैक्टिस जिंदगी भर करोगे तब अंतिम समय में अंत राम कही, तभी अंतिम समय में राम का नाम आएगा। अगर अंतिम समय राम का नाम कह दिया ना, फिर आप तो ना ही संसार में फिर तुम गाना नहीं पड़ेगा, फिर तो ठाकुर के पास में जाओगे, ठाकुर जी को नहीं तो जमपुरी में जाओगे, डंडे घोड़े पड़ते पड़ते जाएगा, रेती में घिसड़ते घिसड़ते, और पी खून टाटी की जो नदी है बैतरी नदी पार कराएगी, फिर चौरासी नरक में जैसे कर्म किया ऐसे भोग, फिर उसको बाद में फिर पेड़ पौधा जानवर फिर जन्म जाना पड़ेगा है। इसलिए यहाँ क्या कहते हैं अंत राम, तभी अंतिम समय में राम का नाम आएगा, ठीक है ना। जैसे बच्चे लोग पढ़ाई करते हैं, जैसे कोई सीए करता है, कोई इंजीनियरिंग करता है, पढ़ते हैं, लेकिन कितना साल पढ़ते हैं, 25 साल तक, कितना साल पढ़ते हैं 25 साल तक पढ़ाई करना पड़ता है, लेकिन जब अंतिम उसका जो नौकरी पाने का जो ये आता है ना, जब पेपर देते हैं वो 2-4 घंटा केवल, कल 2-4 घंटा पेपर दे दिया, अगर बड़ी सही सही उसकी आंसर दे दिया तो नौकरी मिल जाती है, लेकिन 2-3 घंटा के लिए उसको कितने साल पढ़ाई करना पड़ा, 25 साल उसको पढ़ाई करना पड़ा, 25 साल पढ़ा तभी जाकर के 2-1 घंटा में सही आंसर दिया तो नौकरी मिल गई, उसको नौकरी मिल गई। कहते उसी तरह अगर जिंदगी भर अगर हम भगवान का नाम लेंगे ना, फिर अंतिम समय में क्या होगा, फिर ठाकुर को याद आएगा, ठाकुर जी की तभी याद आएगा, नहीं तो ठाकुर की याद नहीं आएगी। इसलिए भगवान का नाम सबके सब क्या करना, भगवान की नाम जप करना, ठाकुर जी को नाम जप करना, भगवान की भक्ति करना, क्यों अंतिम समय में तो यही जाएगा ना, और तो कुछ जाएगा नहीं संसार से, सब तो यही कि सुई धागा भी साथ में नहीं जाएगा, सब छोड़ कर जाओगे हैं, कुछ साथ में तो जाएगा नहीं जाएगा, तो ठाकुर का नाम जाएगा, जब ठाकुर का नाम जाएगा फिर क्यों नहीं करे, जो नहीं जाएगा उसके लिए तो पीछे दिन भर पड़े, और जो जाएगा उसके लिए कोई कोशिश नहीं करते, ठीक है। बताओ क्या करना, भगवान की नाम नाम लेना, सब एक बार बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे, एक बार जोर से बोलो हरे, बोला हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 संकीर्तन की जय, बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की जय। हाँ, हमारे पीछे पीछे सब ताली बजाते हुए सब ठाकुर का नाम जप करो, बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Hare Krishna.
सब पाप है, सब घर के सारे पाप चल जाते हैं। ठाकुर का नाम से घर का सारे अमंगल दूर हो जाता है, घर में मंगल मंगलमय हो जाता है। इसलिए शास्त्र में बताया जो भगवान का नाम है कैसे कहते सर्व पाप विनाशनम, जितने पाप है हमारे ये सारे पाप को नष्ट कर देता है। शांति दम भगवान का नाम क्या देता है, शांति देता है। हम दुनिया में सब शांति सुख जाते हैं ना, क्या जाते हैं, शांति सुख चाहते ना, जीवन शांति हो, शांति हो, सुख हो, सुख हो, यही तो चाहते हैं। लेकिन हमें सुख मिलता नहीं, शांति मिलता नहीं, क्योंकि शांति जहाँ पर है ना सुख, हम उसको पीछे रख दिया
और जिसमें अशांत है ना उसको पीछे लग गया, जिसमें शांति है उस शांति को तुझे तो पीछे रख दिया, जो अशांति है ना उसको पीछे बढ़ गई। बोले शांति क्या अशांति क्या है, इसलिए ये ब्रह्म सूत्र का पहला सूत्र है, कहते अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ये वेदांत का पहला सूत्र। इसमें तीन तीन शब्द आता है, कितना शब्द आता है, तीन, क्या क्या आता है, हरे कृष्ण, इसमें तीन वाला आता है, अतः अतः ब्रह्म जिज्ञासा, अतः मतलब होता है हम जीवन में सब सुख चाहते हैं जीवन में। अब बता दुख कौन, घर में कोई दुख को निमंत्रण देता है क्या, बोलो कौन दुख को निमंत्रण देता है घर में, बोलो हाथ उठाओ, नहीं कोई निमंत्रण, लेकिन बगैर निमंत्रण के वो आ जाता है कि नहीं, आ जाता है ना, उसको कोई निमंत्रण नहीं देते लेकिन वो अपने आप आता है कि नहीं, आ जाता है ना। इसलिए अभी तो प्रश्न होता है हम जीवन में सुख ही क्यों चाहते हैं, जीवन में दुख क्यों नहीं चाहते, जीवन में दुख कोई चाहते, दुख नहीं, क्या चाहते हो आप बताओ, क्यों सुख चाहते हो, हम सुख क्यों चाहते, दुख क्यों नहीं चाहते, बोलो कौन बोले, सुखी रहने के लिए सुख चाहते, ना किस लिए चाहते हो, दुख क्यों नहीं चाहते, सुख क्यों चाहते हो, बताओ क्यों चाहते हो, किस लिए नहीं, जो प्रश्न किया चाहते हैं क्यों, हम दुख क्यों नहीं चाहते, सुख क्यों चाहते, अभी इसी विषय पर प्रभु जी बोले, बोलो हमारे बोले तो गौर सुंदर, बोलो हम सुख क्यों चाहते, जीवन में दुख क्यों नहीं चाहते, इसी विषय पर बोले, बोलो ध्यान देख रहे सुनो, देखो अगर इतनी सी बात अगर समझ गए ना, केवल इतनी सी बात समझ गए, हम जीवन में सुख क्यों चाहते, दुख क्यों नहीं चाहते, फिर सुख कहाँ है, अगर इतनी सी बात समझ गए तो समझो हमारी जिंदगी जो बिगड़ा हुआ जिंदगी बन जाएगी, हमारी जिंदगी क्या हो जाएगी, जिंदगी बन जाएगी। अभी सुख क्यों चाहते, दुख क्यों नहीं चाहते, फिर वो सुख है कहाँ पर, हाँ बोलो, अज्ञान मीरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। देखो गुरुदेव की आज्ञा हुई है हरि कथा सुनाने के लिए, अभी जो प्रश्न उठा है गुरुदेव बतला रहे हैं किस प्रकार हमारी सारी चेष्टा जो होती है, हमारी सारी चेष्टा किस, बोलो कितना आवाज है, कोई बात नहीं, हमारी सारी चेष्टा एकमात्र सुख के लिए ही होती है। आप सुबह से उठ के शाम तक की अपनी जो सही चल रहा है, बोलो बोलो सही चल रहा है, ठीक, हमारी सारी चेष्टा हम सुबह से लेकर शाम तक जो भी कार्य करते हैं किस लिए, कि हम जीवन में आनंद से रह सके, सुख से रह सके, लेकिन मिलता वही है जो हमारे भाग्य में, कहते हैं ना जो भाग्य में लिखा है उसके अलावा कुछ मिलता नहीं है। तो यहाँ प्रश्न भी उठता है हम लोग सुख ही क्यों चाहते हैं, भगवान ने देखो बताता है यहाँ पे, भगवान कहते हैं कि ममेव अंशो जीव लोके जीव भूत सनातन, कि सारे जीव जो है वो कौन है, मेरा अंश है, अर्थात मुझी से ही सारे जीवों की सृष्टि हुई है। और भगवान कैसे है, भगवान है सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतु, बताया ना भागवतम में कि भगवान जैसे हमारा शरीर किससे बनाया है, हमारा शरीर गोस्वामी जी कहते हैं क्षिति जल पावन गगन समीरा पंच रचित है अधम शरीरा, हमारा शरीर अधम शरीर है, क्यों, क्योंकि ये किससे बना है, आकाश मिट्टी वायु जल और अग्नि से, है ना, जब हम जला देते हैं उसके बाद में क्या मिलता है, वही राख ही मिलती है, जो जो जहां जहां से हमको मिला था वहां वहां चला जाता है, आकाश आकाश में, अग्नि को अग्नि ले लेती है, जल वहीं पर चला जाता है, मिट्टी वायु इस तरह से नष्ट हो जाता है। ये हमारा शरीर किससे बना है, इन पंच भौतिक चीजों से बना है, लेकिन भगवान का शरीर ऐसा नहीं है, भगवान का शरीर किससे बना है, भगवान का श्रीअंग है बना है सत चित और आनंद, सत अर्थात सत्ता वह सब समय विद्यमान है, चित चित अर्थात ज्ञान, हम देखो हमारी हम लोग कितनी सब चीज हमारे अंदर भी क्यूरियोसिटी होती है सब चीज जानने की, क्यों, क्योंकि हम भगवान से आए हैं, जैसे उनके अंदर वो साक्षात ज्ञान स्वरूप हैं, ऐसे ही हम भी सब चीज चेष्टा करते हैं जानने के लिए। और तीसरा क्या बताया, आनंद, सत चित और आनंद, भगवान जिस जिस ऐसे सर्व आनंदमय है, वो आनंद कंद है, उसी प्रकार हम भी वही आनंद चाहते हैं, हम भी वही सुख चाहते हैं, इसीलिए हम लोग कोई भी दुख नहीं चाहते, हम लोग सुख चाहते हैं, लेकिन सुख क्या है, ढूंढते कहाँ है, सब समय गलत जगह पर। गुरुदेव के उदाहरण के माध्यम से बतलाते हैं, किसी एक बूढ़ी माँ की सुई खो गई थी, वो सुई जाकर ढूंढ रही है, अभी वहां से एक बच्चा गुजर रहा था, पूछा, बोले अम्मा बड़ी परेशान हो, क्या बात है, बोले बेटा मेरी सुई खो गई है, बोले जरा ढूंढवा दो, उसने भी ढूंढना चालू किया, ढूंढते ढूंढते बड़ी देर हो गई, सुई मिल नहीं रही है, कहाँ ढूंढ रही है, वो बाहर ढूंढ रही थी अपने घर के बाहर, बोले अम्मा तुम्हारी सुई गिरी कहाँ थी, बोले बेटा सुई गिरी तो कमरे में थी, बोले अम्मा जब कमरे में गिरी थी तो फिर बाहर कहाँ से मिलेगी, है कि नहीं। तो हमारा भी ऐसा ही सीन है, हम क्या कर रहे हैं, सुख तो ढूंढ रहे हैं लेकिन हम लोग
गलत जगह पर ढूंढ रहे हैं। हम लोग जहाँ सुख है, जहाँ नित्य आनंद है, नित्य आनंद भगवान के चरणों में है, भगवान के भजन में है, वहां छोड़ के और हम सब जगह पर क्या कर रहे हैं, सुख खोज रहे हैं, लेकिन सुख हमको प्राप्त नहीं हो रहा। गलत जगह कहाँ पर है? गलत जगह, हम गलत जगह पर सुख ढूंढ, कहाँ पर ढूंढ रहे हैं? संसार में, ये दुनिया में। शायद पढ़ाई में सुख मिल जाएगी, शायद शादी करने पर सुख मिल जाएगी, फिर बच्चे जन्म देने पर सुख, यही तो सोचते हैं ना, बच्चा नहीं परेशानी है, कल बच्चे होने पर सुख मिल जाएगी। लेकिन ऐसे बच्चा हुआ जो दो दिन बाद बात नहीं सुनता है, फिर घर में बहू जब आई पता नहीं कान में क्या मंत्र दी, दूसरे दिन उसको बुद्धि खराब है, हैं? फिर बुद्धि खराब है। इसलिए हम सुख कहाँ ढूंढ रहे हैं? ये दुनिया में सुख ढूंढ रहे हैं। लेकिन जिसने ये दुनिया बनाया ना, वो खुद कहता है जो संसार क्या दुखालयम, ये संसार दुख का घर है। जिसने बनाया वो खुद कह रहे हैं ये संसार क्या दुख का ये घर है। जहां पर जिसने बनाया, जैसे एक टीवी है, व्हाट ब्लैक का टीवी, कलरिंग नहीं, व्हाट ब्लैक का टीवी, अगर सोचोगे इसमें कलरिंग आएगा कैसे, वो जो ब्रांड लगा हुआ ना, किस चीज की ब्रांड लगी, व्हाट व्हाइट और ब्लैक टीवी, वो तो टीवी वो चीज की, फिर तुमने कलरिंग टीवी आया कहेगी। इसलिए जिसने ये दुनिया बनाया खुद कहता है ये दुख का घर है। कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई बेटा से दुखी, कोई बेटी से दुखी, कोई पति से दुखी, कोई परिवार से दुखी, कोई पैसा से दुखी, कोई सास से दुखी, कोई ननद से दुखी, पूछो सब कैसे थे कि नहीं, सब दुखी है कि नहीं, सबके सब, कोई नहीं बोलेगा हम सुखी संसार में, सब दुनिया, क्योंकि जिसने बनाया खुद कह रहा है। इसलिए कहते दुख सुख क्यों नहीं मिलता है, बोले सुख जहां पर तू उसको छोड़ दिया, और जहां दुख है ना तो वहीं पर ढूंढ रहे सुख। ये संसार दुखालय है, तू सोचते हो ये संसार में बीवी बच्चे इनको लेकर शायद सुखी रहेगी, अरे जिसने बनाया वो खुद कहते ये संसार अनित्य दुखालय, दुख का घर, सुख मिलेगा कहां से? अरे सुख मिलेगा कहां, इसलिए बोला है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। इसमें तीन शब्द आया, अतः ब्रह्म जिज्ञासा, तीन शब्द, अतः मतलब सुख तो ढूंढते हैं, लेकिन अतः बोले कहां ढूंढते हो, बोले जहां है नहीं तो वहीं पर ढूंढ रहे हो। सुई गुम हो गया कहाँ पर, घर में, लेकिन सुई कहाँ ढूंढ रहे हो, मेन रोड में, सुई ढूंढ रहे हो मेन रोड में, इसे पर मिलेगा क्या, और जहाँ सुई गिरा वहीं पर मिल, वहीं पर ढूंढना। इसलिए भगवान को, हमारे सनातन गोस्वामी महाप्रभु को दो प्रश्न किया है, कितना प्रश्न किया, दो, क्या प्रश्न था बोलो, हाँ बोलो जोर से, और उसमें बोले मैं कौन हूँ, क्या बोले मैं कौन हूँ, और संसार में तो हम सुख चाहते हैं लेकिन ये दुख क्यों आता है। फिर महाभगवान क्या उत्तर दिया, बोले जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, जो जीव है वो भगवान की संतान है, हैं? हम सबके सब किसके औलाद है, ठाकुर जी का औलाद है, भगवान हमारे पिता माता, तुम्हें माता च पिता, तुम्हें तुम्हें बंधु सखा, तुम्हें विद्या, तुम्हें सर्वम। लेकिन आप बताओ, आप सही सही बात बता रहे हो, पिता माता ठाकुर है लेकिन संसार में एक डुप्लीकेट पिता माता फिर बना दिए, डुप्लीकेट पति बना दिए, डुप्लीकेट बच्चे बना दिए, लेकिन जो असली जो पिता माता है उसको पिता माता हम नहीं मानते। अगर मानते तो उसका नाम कीर्तन भक्ति तो करते हैं ना, उसको तो मान नहीं रहे हैं, दूसरों को तो मान लिया हम लोगों ने, हैं? दूसरों को मान लिया। इसलिए भगवान कहते हैं जीव जो है कौन है, जीव भगवान की संतान। बोले दुख क्यों मिलता है, बोले उसको भूल गया इसलिए दुख मिल रहा है, उसको भूल गया ना इसलिए दुख मिल रहा है। पर सुख मिलेगा कैसे, बोले उसको चरण में जाओ, अशोक अभय अमृत उसकी चरण में, ये आनंद उसकी चरण में। हनुमान का नाम सुने हो, कौन कौन सुने हो, सब सुने, आप बताओ दिन भर हनुमान जी क्या करते हैं, दिन भर रघुपति राघव, लेकिन हम दिन भर किसका नाम लेते हैं, जेठ ननंद पति छोरा छोरी दुनिया के नाम, लेकिन हनुमान सुखी क्यों है, कारण क्या है, दिन भर प्रभु राम का नाम लेते हैं, और सेवा किसकी करते हैं, राम की, हम किसकी सेवा कर रहे हैं, बता बताओ, हाँ देखिए भगवान खुद के दुख का कारण क्या है, जहाँ सुख है ना तो तुम उसको छोड़ दिया, पीछे कर दिया, जहाँ दुख उसको तरफ में तुम जा रहे हो, जो धोखे देने वाले जगत में हम उसको उसको ही वहीं पर सुख जा रहे, और जो आनंद देने वाले उसको तो हमने पीछे रख दिया। भगवान खुद कह रहे सारे दुख का जड़ है, चूंकि भगवान की भजन तुमने छोड़ने का नाते जितने दुख कष्ट है, जब उनकी शरण में चले जाओगे, ठाकुर की शरण में चले जाओगे, आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है, ठीक है ना। इसलिए अभी उनको मिलेंगे कैसे, प्रश्न होता है ना, फिर ठाकुर मिलेंगे कैसे,
भगवान कलयुग में सबसे सरल उपाय बताए, कलयुग में ज्यादा कुछ परिश्रम करने का जरूरत नहीं, केवल ठाकुर का नाम जप करो, ठाकुर जी की केवल नाम जप करो। कलयुग केवल नाम आधारा सुमेरे सुमेरे उतर ही पारो। भगवान कलयुग में सबसे सरल उपाय दिया, भगवान का नाम जप करो और इन नाम को द्वारा ही जीवन का शांति सुख सब भगवान की नाम से होगा। इसलिए महाप्रभु कहते हैं चेत दर्पण मार्जनम मार्जनम। देखो महाप्रभु क्या कहते हैं, जैसे किसी शीशा के ऊपर धूल जम गया, फिर उसमें अपना सूरत दिखेगा नहीं दिखेगा, फिर क्या करो साफ करो, मैला हटाओ साफ करो। वो साफ कैसे होगा, शीशा के ऊपर तो जो मैला उसको साफ कर दोगे जैसे कपड़ा लग गया सर्फ से साफ कर देते, लेकिन जो दिल में जो धूल जम गया, जो दिल में धूल जम गया उसको कैसे साफ करोगे, बोले उसको साफ करने का केवल एक उपाय है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम, भगवान के नाम से ही वो साफ हो जाएगा। बोले दूसरा फल किया, बोले भव महादावाग्नि निर्वापनम, संसार का जितने दुख कष्ट सारे दुख कष्ट तुम्हारी दूर हो जाएगी, कैसे ना सब दुख दूर जाए जब तेरा नाम लिया, तभी भगवान का नाम लेने से सब जीवन का सब दुख खत्म हो जाएगी। इसलिए कहते श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, हैं भगवान का नाम जैसे चंद्रमा उदय होने पर एक कुमुदिनी फूल खिली जाती है, जब भगवान के नाम जप करोगे तुम्हारे हृदय भी तुम्हारी खिली जाएगी। इसलिए महाप्रभु कहते हैं भगवान का नाम से ही तुम्हारी उद्धार होने वाले कल्याण होने वाले, इसलिए क्या करो भगवान के नाम जप करो, जो कुछ करते हो ठाकुर को सेवा मान कर करो, अपना घर को भगवान का मंदिर ही समझो, अपना परिवार किसका परिवार, ठाकुर का परिवार, किसका परिवार है ठाकुर का, ठाकुर का परिवार से बीवी बच्चे किसके है, किसने दिया ठाकुर ने दिया है, अपना घर किसने दिया ठाकुर ने दिया, इसलिए अपना घर को क्या समझो कि भगवान की मंदिर, भगवान की मंदिर। झाड़ू लगाओ तो कहाँ झाड़ू लगा रहे हो, ठाकुर जी की मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं। खाना बनाते रहे तो किसके लिए खाना बना रहे हो, बोलो ना अपना, सही बोल रहे कि नहीं, ना खुद चट कर लेते नहीं, इसलिए क्या करो सबसे पहले जो खाना बनेगा किसके लिए भोग लगाओ, पहले खाना को भोग लगाओ, लेकिन अगर प्याज लहसुन डालोगे तो भोग नहीं लगा सकते हो, है ना, इसलिए प्याज लहसुन को त्याग दे देनी चाहिए, प्याज लहसुन नहीं खानी चाहिए, ठीक है ना। प्याज किस चीज में बनी हुई है, कहते गो मांस से बना हुआ, राक्षस की मांस से ये प्याज बना हुआ है, इसलिए प्याज लहसुन त्याग दे करके शुद्ध रूप में भगवान को के लिए बनाओ, ठाकुर को भोग लगाओ और भगवान का प्रसाद ग्रहण करो। कितना जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, जैसे खाओगे अन्न मन तुम्हारी वैसे बनेगा, इसलिए भगवान को भोग लगा कर खाया करो और एकादशी व्रत रखो, एकादशी व्रत रखा करो और गले में कंठी तिलक लगा, जो जो नई नई गोपी आए आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि ये तो यहाँ पर तो सब मेरे हम सब भक्त लोग सब के सब ये तो मंदिर में आते रहते हैं, और बीच बीच में आप लोग मंदिर में आया करो, आते हो मंदिर में, माता जी मंदिर में आती हो नहीं, तुम लोग आते हो कोई माता जी आती हो मंदिर में, अच्छा मंदिर में आना, सबके सब मंदिर में आया करो, ठीक है ना। और देखो हमारी जो मंदिर में जो 6 और 7 तारीख को, ध्यान देकर सुनो हमारे भक्त लोग, जो 6 और 7 तारीख ना बच्चों लोगों के लिए सेमिनार देंगे हमारे बाबा, बच्चों को अच्छे तरह समझाएंगे भक्ति करनी चाहिए, पढ़ाई में कैसे मन लगे, हैं पिता माता की सेवा करनी चाहिए, पिता माता की आज्ञा पालन करनी चाहिए, ठीक है, इसलिए भक्ति क्यों करनी चाहिए, किस लिए, हमारे मंदिर में 6 और 7 तारीख को सेमिनार होगी, हैं वहां पर जो बच्चे लोग आएंगे, ये बच्चे लोग आते आई थे कि नहीं, तो नहीं आई थे ना, ना क्यों आओ, इसलिए सब अगर बच्चों को लेकर आना, तुम लोग बच्चों को जैसे जो क्लास जो देखो यहाँ पर कुछ बच्चे भी बैठे हुए, देखो बच्चे लोग तिलक लगाए कंठी माला पढ़ाई भी करते हैं और अपना भगवान की भक्ति भी करते हैं, ठाकुर की नाम भी करते हैं, इसलिए देखो इस बच्चे से बैठे हुए तुम लोग जिस बच्चे जिस छोटे छोटे बच्चे जो गले में कंठी माला तिलक लगाए भजन कर रहे हैं अपना पढ़ाई भी कर रहे हैं, समझ रहे हो, इसलिए सबके सब अपना बच्चों को तुम लोग बच्चों को सब लेकर करना, ठीक है, बच्चे है कि नहीं तुम लोगों का घर में, हाँ वो बच्चों को सब मंदिर में लेकर करना 6 और 7 तारीख को, ये 2 दिन है 11 से लेकर 12 और 1 बजे तक, ठीक है, उसमें 2 घंटा होगी, उसके बाद में प्रसाद भी मिलेगा, उसके बाद में प्रसाद तुम लोग भी आना, प्रसाद भी मिलेगा, कथा भी मिलेगा, फिर बच्चे लोग तुम्हारे अच्छे संस्कारी बनेंगे, भगवान की भक्ति की तरफ में जाएंगे ना, बच्चे कभी उल्टा पुलटा गंदे रास्ता पर नहीं चलेंगे, हैं सबके सब अच्छे मार्ग पर चलेंगे, हम जो कुछ करते हैं बच्चे के लिए करते हैं, बच्चे अगर बिगड़ गया तो तुम्हारा सब बिगड़ गए,
उसके लिए कमाना धमाना सबके सब बेकार है, है? इसलिए सब बच्चों को लेकर के आना, बच्चों को अच्छे संस्कार पड़े, पहले तुम लोग तो खुद बदलो, पहले भगवान का नाम जप करो, भक्ति करो, फिर तुमको देख देख कर बच्चे भी भक्ति करेंगे, ठीक है? बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। हाँ, जिनके घर में प्रभु का कीर्तन नाम हो जाता है ना, वो भगवान का धाम बन जाता है, वो घर नहीं भगवान की धाम। इसलिए आप लोग भी अपना अपना घर में बुलाना, सब तुम लोग भी जो नए नए सब भक्त यहाँ आए हो, कई भक्तों को बुलाना, घर में आएंगे, कीर्तन करेंगे, भगवान की कथा सुनाएंगे, हैं? घर पवित्र होगा, घर में पवित्र होगा, घर का पाप दूर जाएगी, घर में मंगलमय होगा घर में, ठीक है? सब मेरे पीछे पीछे हाथ में ताली बजाते कीर्तन करते, थोड़ी सी ठाकुर को भोग लगा दिया माता जी, घर के मालिकानी कहाँ गई, ठाकुर जी भोग लग गया, ठीक है? हाँ, देखो अब लोग घर में बुला लेना, जो जो नए नए है ना, जो आए घर में बुलाना। अब लोग हम लोग अपना माइक ले आएंगे, बजरा ले आएंगे, कीर्तन कर देंगे। जैसे आज माता ने अपना घर में प्रसाद रखा, अगर आप प्रसाद नहीं रख पाओगे तो कोई बात नहीं, ऐसे नहीं किस घर में जाने पर आपको सबको खिलाना पड़ेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ हाथ में एक एक तुलसी पत्ता हमारे दे देना, क्या दे दोगे? हाँ, एक एक तुलसी पत्ता दे देना, इसमें हो जाएगा। जिसका समर्थ भोजन करना चाहते करें, लेकिन कोई इसमें नहीं है, नहीं आने पर सबको खिलाना पड़ेगा, नहीं कोई कोई किसी की जरूरत नहीं, केवल अपना घर में जैसे माता जी ने टेंट लगाया और घर में है सब बिछा दिया संतों के लिए, बस कितना ही बहुत चीज है, ठीक है? बोले से वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। सब ताली बजाते कीर्तन कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। बोलो कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गीताई गौरंग जय, गीताई गौरंग, गीताई गौरंग जय, गीताई गौरंग, गीताई 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 गौरंग, गीताई 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 गौरंग, गीताई गौरंग जय, गीताई गौरंग, गीताई गौरंग जय, गीताई गौरंग, श्री राधे गोपाल भज भन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री
श्रीमती राधा रानी की जय। बोले आज के आनंद की जय। घर का मालिक का नाम क्या है? विष्णुदत्त शर्मा जी ब्राह्मण। विष्णुदत्त प्रभु की जय। और धर्मपत्नी का नाम? सरोजिनी दीदी की। वाह, नाम दोनों का बहुत बढ़िया नाम है। हाँ, सुदेवी सरोजी सरोज सर सुदेवी, ठीक, अच्छी बात, ठीक है। को भगवान की भक्ति करो। अरे तुम्हारे घर की बहू कहाँ चली गई? और ये है, ठीक 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 है। सब भगवान भजन करना। और तुम लोग जो नए नए लोग आए हो, कौन नए नए कौन आए यहाँ पर, नए कौन है?